ये 110 ठीक है ना, ये हो गया मॉडल नंबर। ओके, ये मॉडल नंबर हो गया 110। तो इसका प्रॉब्लम क्या है यही देखना है हम लोग को। तो पहले तो हम लोग क्या करेगा, इसका जो चार्जर है, ओके ये हो गया चार्जर, ये मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेगा 200 में रख लिया। उसके बाद में पहले चार्जर को चेक करना होगा। ओके, चार्जर को यहाँ देखना है हम लोग को कितना मोल दिखाता है। ओके, तो ये चार्जर छोटा है पिन, तो पिन छोटा होने के रीजन से क्या है, ये हम लोग को ये शोल्डर ये जो है इससे हम लोग क्या करेगा, शोल्डरिंग वायर से ये मीटर में दिखा रहा है 20 वोल्ट। ओके ओके, 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो रेड प्रूफ को हम लोग क्या किया, शोल्डरिंग का ये वायर जो है इसमें अटैच किया और ग्राउंड में ब्लैक प्रूफ को रख के हम लोग चेक किया, 20 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। एडाप्टर ओके दिखा रहा है, तो एडाप्टर अगर ओके है तो हम लोग क्या करेगा, चार्जिंग दिखाना चाहिए बैटरी का। हम लोग क्या करेगा, ओपन कंडीशन रखा है, अभी इसको कनेक्ट करवा लेगा, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉइंट है ये भी ध्यान देना है, ये पॉइंट में व्हाइट मार्क दे के रखा है, ठीक है ना। तो बैटरी का ये व्हाइट मार्क जो है, तो इसको हम लोग क्या करेगा, इस साइड में होना पड़ेगा, है अपर साइड, ये व्हाइट जो है ये अपर साइड होगा। तो ऐसे इसको पुश करना है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट चार्जर लगा के हम लोग को क्या करना है, चार्जिंग ये लीड है जो, इसका चार्जिंग लीड यहाँ पे है। ओके, ये हो गया, थोड़ा जूम करके दिखा रहा है, ये हो गया चार्जिंग लीड, ठीक है। तो ये चार्जिंग लीड इसमें लीड ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग एडाप्टर को इसमें पुश करेगा तो यहाँ लीड जलना चाहिए। ओके, तो यहाँ लीड नहीं जल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या देखेगा, इसमें 20 वोल्ट सर्किट में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, समझ लो, तो इसमें हम लोग देखेगा ये जो पॉजिटिव साइड, तो मीटर में देखो, मीटर में कितना दिखा रहा है, मीटर में कितना दिखा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मीटर में, मीटर कैसे रखना होगा तब दिखाई देगा। ओके, तो मीटर में हम लोग को कितना दिखाई दे रहा है, मीटर में अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर आ रहा है, मीटर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब 19 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन एडाप्टर ओके है, एडाप्टर लेकिन ओके है, चार्जिंग लीड नहीं ऑन हो रहा है और सप्लाई भी नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या देखना है, सर्किट भी हीट हो रहा है। ओके, तो हम लोग को ये जो प्लास्टिक के ऊपर में सेफ्टी के लिए दिया हुआ है ये कवर, इसको उठाना होगा, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, उठा के हटाना है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, देखना है कोई शॉर्ट होके रखा है क्या। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो 19 वोल्ट सेक्शन को चेक करना है, ये कैपेसिटर को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, प्रोब को बजर मोड में रखना है। ओके, उसके बाद हम लोग को टच करके देखना है दोनों साइड से शॉर्टिंग दिखा रहा है, जीरो आ रहा है मल्टीमीटर में। ओके, मल्टीमीटर में जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, इधर भी ये ओके है, इसका वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है। ये भी जीरो आ रहा है, 19 वोल्ट सेक्शन जितना है ये भी जीरो आ रहा है, तो ये भी जीरो आ रहा है। अब हम लोग को पहले तो कैपेसिटर को ढूंढना है कहाँ शॉर्ट होके रखा है, आईसी तो शॉर्ट नहीं है, तो आईसी के ये दोनों ये भी ठीक है, वैल्यू ओके दिखा रहा है, इधर कैपेसिटर ओके दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग को देखना है। अब हम लोग एक एक कैपेसिटर उठा के देखना होगा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। तो पहले शुरू करता है, ओके, तो शुरू करता है इधर से,
थोड़ा फटा फटा जैसा लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेगा, आयरन से उठा उठा के देखेगा। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, सोल्डरिंग वायर लीजिए। ओके, और इसको क्या करना है हम लोग को, एक एक करके उठा के देखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरा डाउट है ये कैपेसिटर खराब होना चाहिए। ठीक है, ये हटा दिया। अब हम लोग क्या करेगा, इसको मल्टीमीटर से चेक करेगा। ठीक है, शॉटिंग आता कि नहीं आता है, देखिए शॉटिंग हट चुका है। ठीक है ना, एक बार में काम कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ये लाइट बंद कर देता है, दिखाई नहीं देता है मल्टीमीटर में। ठीक है, अब मल्टीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब मल्टीमीटर में हम लोग चेक करेगा कैपेसिटर शॉर्टिंग है कि नहीं। तो ये टोटली सर्किट क्या है, शॉर्टिंग दिखा रहा था 19 वोल्ट और चार्जिंग लीड भी नहीं ऑन हो रहा था। ठीक है, चार्जिंग लीड भी ऑन नहीं हो रहा था और ये सारा आईसी वगैरह क्या है, हीट हो रहा था। ठीक है ना, तो ये कैपेसिटर शॉर्टिंग होने के रीजन से सारा हीट हो रहा था। देखिए कैपेसिटर ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, देखिए ये 110 मॉडल है। ठीक है ना, लेना होगा तो इसका ये कैपेसिटर का फॉल्ट होने के रीजन से डेड होके रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, अभी आईसी वगैरह तो ओके है, अब कैपेसिटर भी सारा ओके है। ठीक है, इस साइड में कैपेसिटर जो शॉर्ट दिखा रहा था ये वाला, ये भी ओके है। ठीक है, अब सब कुछ ओके हो गया। तो इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटर को एक लगाना होगा। ठीक है ना, तो अच्छा कैपेसिटर एक लगा लेता है। अब हम लोग क्या करेगा, दूसरा कोई कैपेसिटर इसमें निकल के लगा लेगा। ठीक है ना, कोई सा भी कैपेसिटर सेम अगर होगा तो हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को हॉट गन यूज करना होगा। ओके, कैपेसिटर को लगा दिया है। अभी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखना होगा बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया है। ठीक है, अब हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेगा।
अब मल्टीमीटर में क्या दिखाना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आना पड़ेगा। ओके ठीक है, ठीक है वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना 310 320। ओके हो गया, तो कैपेसिटर बदलते ही आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, चार्जिंग लीड, ये जो चार्जिंग लीड है ये लीड ऑन नहीं हो रहा था ना। अब हम लोग क्या करेगा, ये पॉइंट को ध्यान देना है, लेकिन बैटरी का पॉइंट को जो है ये व्हाइट जो दे के रखा है इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये पॉइंट को, ये अपर साइड होगा, इसको अच्छा से इसमें पुश कीजिए। हम सिंपल में आप लोगों को सिखा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, हम लोग थोड़ा ठंडा होने देता है, फैन को ऑन कर देता है। अब सर्किट तो थोड़ा हीट है, ठंडा होना पड़ेगा, पूरा भीज गया हो गर्म से। अब क्या करेगा हम लोग, चार्जिंग इसको लगा के एयरपोर्ट को चेक करेगा। ये देखिए आ गया, लीड ऑन हो चुका है, देखिए लीड ऑन हो चुका है, देखिए। तो यही चीज़ हम लोग को देखना है, ये लीड ऑन हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, स्विच ऑन करके इसका डिस्प्ले चेक करना होगा। तो स्विच ऑन करने के बाद में क्या करेगा हम लोग, डिस्प्ले कैसे चेक करेगा, यूएसबी कीबोर्ड से भी हम लोग डिस्प्ले चेक कर सकता है, ठीक है ना। ये जो यूएसबी कीबोर्ड हो गया, इसको हम लोग क्या करेगा अभी, इसमें यूएसबी में अटैच करेगा, ठीक है। ये यूएसबी में अटैच कर लिया, उसके बाद में ऑन कैसे करेगा हम लोग, ये कीबोर्ड में दिया है ऑन ऑफ स्विच। ओके आपको दिखाता है हम, कीबोर्ड में इसका ऑन ऑफ का स्विच दे के रखा है। ये जो कीबोर्ड हो गया 110 मॉडल या कोई सा भी कीबोर्ड में अगर स्विच होता है, ये देखिए दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में अगर स्विच है तो इसी से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ये कीबोर्ड हो गया तो इसी से ऑन होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पास क्या करेगा, कीबोर्ड लगाने का अभी जरूरत नहीं है, कैसे ऑन करेगा, रेड प्रोब को हम लोग को क्या करना है, ग्राउंड में देना है। ओके कोई सा भी ग्राउंड में दीजिए, ये ग्राउंड में लगा दिया, और बजर मोड में रखना है। ओके मल्टीमीटर जो है ये बजर मोड में रखा हुआ है, उसके बाद में इसका दो नंबर पिन में ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब दो नंबर पिन को हम लोग टच करने से यहाँ डबल लीड जलेगा, ठीक है ना। अभी सिंगल लीड जला हुआ है, यहाँ डबल लीड जलेगा, तो कीबोर्ड में नाम लॉक कैप्स लॉक भी काम करने चालू करेगा, ठीक है। ये डबल लीड जलने लग गया, देखिए। ओके एक लीड ये हो गया, ये दूसरा लीड हो गया। ओके ये दोनों लीड एक साथ में जला है। अब हम लोग क्या करेगा, कीबोर्ड में अपना चेक करेगा। ओके ये कीबोर्ड है यूएसबी, अब इसमें नाम लॉक और कैप्स लॉक काम करना चाहिए। ओके यानी लीड दोनों जला हुआ है, वो क्यों नहीं आया, और यूएसबी दोबारा करके फिर पुश करके देखता है, नहीं आया, फिर दोबारा इसको कॉल के फिर इसको क्या करेगा हम लोग, रैम तो इसका फिक्स है। ओके इसमें ग्राफिक भी है, ये दोबारा ऑन किया, दोनों लीड जल गया, दोनों लीड जल गया, और कैप्स लॉक नाम लॉक भी जलने लग गया अभी, ठीक है। ये देखिए हम लोग जला हुआ है। ओके तो हम लोग क्या करेगा अभी, इसका फैन अटैच करके करना होगा, तब पता चलेगा, तो डायरेक्ट अभी डिस्प्ले देखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, बैटरी को खोल देता है, डायरेक्ट हम लोग डिस्प्ले चेक करेगा। ओके क्योंकि मेरे पास जब एलईडी है ही, तो इसमें डायरेक्ट डिस्प्ले चेक कर लेता है। अब ये क्या करेगा, इसका भी पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें भी पॉइंट है। ओके ये एलबीडीएस केबल जो एलईडी से लग के आया हुआ है, वो केबल में भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ऊपर तरफ इस तरफ होगा, ठीक है, इसको डाउन तरफ नहीं लगाना है, ये ऐसे डिजाइन से लगाना है। ओके ये पॉइंट जो है ऊपर तरफ होगा। अब हम लोग क्या करेगा, इसको बाहर में डिस्प्ले को चेक करेगा। ओके अब दोबारा फिर इसको क्या करेगा, नहीं तो कितना फिटिंग करेगा, कितना खोलेगा, हाँ
इसलिए हम लोग क्या करेगा, बाहर में चेक करेगा एक बार डिस्प्ले, ये इसे अटैच कर लेगा। ओके, और पॉजिटिव प्रॉप को हम लोग ग्राउंड में दे देगा। उसके बाद में इसको दो नंबर पिन को हम लोग इसका दो नंबर लेग को टच करेगा। ओके, ऑन हो चुका है देखिए, और इधर डिस्प्ले भी आ चुका है। ओके, देखिए डिस्प्ले आ गया, ठीक है, ये डिस्प्ले भी आ चुका है। रिस्टार्ट अभी होके फिर दोबारा डिस्प्ले आएगा। ओके, ये ध्यान देना है। अब रिस्टार्ट ले लिया, दोबारा फिर डिस्प्ले आएगा, आ गया। ओके, इसका मतलब हम लोग का काम सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो देखते जाइए वीडियो को पूरा फिटिंग करके, आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे विंडोज में। ठीक है, तो अभी इसका कूलर फैन नहीं लगा हुआ है तो ओवर हीटिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको बंद करता है, पूरा फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। इसको क्या करेगा हम लोग, इसको सुंदर से यहाँ फिटिंग करना होगा, नहीं तो बॉडी में शॉर्ट होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है, इसको सुंदर से फिटिंग करना है। ओके, सुंदर से फिटिंग हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको असेंबल करना है। अब असेंबल करना है, पहले तो ये पावर कनेक्टर को इसमें अटैच करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, पूरा टोटली फिटिंग करके आप लोग को दिखाएगा। हेलो दोस्तों, आज आप लोग को दिखाने वाला ये लेनोवो का मदरबोर्ड है, मॉडल नंबर है, ये टोटल फिटिंग हो चुका है। ठीक है, 110 मॉडल है, टोटल फिटिंग हो चुका है। अब इसको हम लोग कीबोर्ड को भी अटैच कर दिया है। ठीक है, पहले हम लोग शॉर्टिंग करके दिखाया था आपको, तो अब कीबोर्ड से हम लोग क्या करेगा, स्विच ऑन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये चार किनारे से लॉक करना होगा, ये लॉक करने के बाद में हम लोग क्या करेगा, ऑन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, ओके, तो पहले क्या हो रहा था, चार्जिंग लीड ऑन नहीं हो रहा था, तो अब देखता है फिटिंग हो चुका है। अब चार्जर को हम लोग क्या करेगा, अटैच करके आपको दिखाने वाला है। ठीक है, ये चार्जर है, इसको हम लोग यहाँ अटैच करेंगे तो चार्जिंग आना चाहिए। ओके, ये चार्जिंग आ चुका है। ठीक है, शुरू में क्या हो रहा था, चार्जिंग नहीं शो कर रहा था। ठीक है ना, अब चार्जिंग आ रहा है, अब ऑन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये स्विच हो गया, ये ऑन भी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आया था, चार्जिंग नहीं शो कर रहा था और पावर ऑन भी नहीं हो रहा था। ठीक है ना, और यहाँ जो चार्जिंग है, पहले तो हम लोग को क्या करना है, एडाप्टर को चेक करना है, 20 वोल्ट दिखाना चाहिए, तो एडाप्टर 20 वोल्ट दिखा रहा था बट चार्जिंग नहीं आ रहा था। तो ऑन होने से 2 लीड जलेगा और चार्जिंग में सिंगल लीड जलता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है।
तो उस केस में हम लोग को कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चेक करना है। तो सर्किट भी हीट हो रहा था तो अभी टोटली ओके हो गया। तो कैसे ओके किया ये आप वीडियो देखते रहिए और इंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।